अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। ट्रंप के शपथ लेने से करीब 10 दिन पहले यानी 10 जनवरी को अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति बराक ओबामा अपना विदाई भाषण देंगे। खबर है कि ओबामा राष्ट्रपति रहते हुए आखिरी बार एयरफोर्स वन से अपने गृह नगर शिकागो का सफर करेंगे। अमेरिका के एक टॉप ऑफिसर ने जानकारी दी कि ओबामा राष्ट्रपति पद पर अपने सफल कार्यकाल के समापन पर 10 जनवरी को शिकागो में अपना विदाई भाषण देंगे। अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति के रूप में शहर से बाहर ये उनकी आखिरी यात्रा हो सकती है, क्योंकि 20 जनवरी को शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें ये पद डोनाल्ड ट्रंप के हवाले करना है। गौरतलब है कि ओबामा ने अपनी छोटी बेटी की पढ़ाई पूरी करवाने के लिए अगले 2 साल तक वॉशिंगटन DC में रहने का फैसला लिया है और इसके लिए उन्होंने एक मकान किराए पर लिया है। अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति को सरकारी आवास नहीं मिलता, हालांकि उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को सीक्रेट सर्विस की सुरक्षा मिलेगी। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जोश अर्नेस्ट ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि शिकागो की यात्रा वॉशिंगटन DC से बाहर अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति ओबामा की आखिरी यात्रा होगी। मुझे लगता है कि ये एयरफोर्स वन विमान से भी उनकी राष्ट्रपति के तौर पर आखिरी उड़ान होगी। हालांकि अमेरिका में ये परंपरा रही है कि पूर्व राष्ट्रपति शपथ ग्रहण पूरा हो जाने पर इस विमान में विदेश की एक आखिरी उड़ान भरता है। इसी परंपरा को निभाते हुए जब बराक ओबामा ने पहली बार ओवल ऑफिस संभाला था, तब तत्कालीन पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश अपनी फैमिली के साथ टेक्सास के मिडलैंड गए थे। हालांकि अभी ये नहीं पता है कि ट्रंप के शपथ लेने के बाद ओबामा इस परंपरा को निभाने के लिए एयरफोर्स वन से कहां जाएंगे।